इस रोमांचक भरी कहानी की शुरुआत होती है एक होटल के रूम को दिखाते हुए, जहां पर लियो कैश और रॉय नाम के दो आदमी भी मौजूद थे। उनके साथ तो एल्टोन नाम का एक छोटा बच्चा भी मौजूद था जो कि 8 साल का था। ताज्जुब की बात ये होती है कि लियो कैश और रॉय थोड़ा सा घबराए हुए थे और उनके पास वेपन्स भी मौजूद थे, इसीलिए वो लोग बिना कुछ सोचे समझे एल्टोन को अपनी कार के पास ले जाने लगे। आखिर उनका मकसद क्या था ये तो हमें पता चल ही जाएगा। अब वो दोनों जैसे ही एल्टोन को गाड़ी के अंदर लेकर जा रहे थे, होटल के रिसेप्शनिस्ट ने उसे देख लिया था। उसे लग रहा होता है कि वो दोनों आदमी उस छोटे बच्चे को किडनैप कर ले जा रहे थे, इसीलिए रिसर्चर्स ने तुरंत ही पुलिस वालों को कॉल कर दिया। अब रास्ते में ल्यूकस रॉय को रेडियो ऑन करने के लिए कहता है, लेकिन रॉय को तुरंत ही पता चलता है कि उनका पीछा तो पुलिस वाले कर रहे हैं। ये देखते हुए रॉय ने अपनी कार एक दूसरे रास्ते पर मुड़ा ली थी। दोनों तो बहुत ज्यादा घबरा गए थे कि पुलिस वालों को ऐसे पीछा करते हुए देखकर, लेकिन फिर भी वो दोनों वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अब हमें यहाँ पर केल्विन नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि न्यूज देख रहा था, और ये न्यूज उसी 8 साल छोटे बच्चे की थी जिसे कि रॉय किडनैप कर ले गया था। केल्विन ये सारी न्यूज देखकर अपने एक साथी को बाहर भेज देता है और अपने एक दूसरे साथी से कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 5 दिन है और इस 5 दिन में तुम्हें उस लड़के को ढूंढकर लाना ही पड़ेगा। अब केल्विन वहाँ से सीधा करते हुए चला जाता है कॉन्फ्रेंस रूम में, जहां पर सभी लोग बैठे हुए थे। केविन तो उन सभी को किसी टॉपिक पर रीच देने के लिए रेडी हो रहा था, तभी हमें दिखाया गया काफी सारे FBI ऑफिसर उस जगह की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि वो किसी सीक्रेट मिशन पर हैं। अब इसीलिए सारे FBI वाले कॉन्फ्रेंस रूम में घुसकर सभी लोग को वहां से जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ केविन से पूछताछ करनी होती है। देखते ही देखते वहां पर पूरा कॉन्फ्रेंस रूम खाली हो जाता है और जहां पर सिर्फ केविन बचा था। लेकिन FBI वाले केविन को बहुत ही बुरी शक की नजर से देख रहे थे। और वहीं अब हमें ल्यूकस और रॉय को दिखाया जाता है जिसके पीछे अभी भी पुलिस लगी हुई थी, इसीलिए वो दोनों अपनी बहुत ही तेज स्पीड में कार को भगाते हैं। उनकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज हो गई थी कि रात के समय उनका थोड़ा सा एक्सीडेंट होने के लिए बचता है, लेकिन उनकी इस तरह की ड्राइविंग करने के कारण कई सारी गाड़ी आपस में टकरा गई थी। ल्यूकस और रॉय जब बाहर आकर देखते हैं तो एक लेडी ड्राइवर बहुत ही चुटीली हो गई थी, उसके सर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था और वो बेहोश भी हो गई। हालांकि रॉय और ल्यूकस उसकी मदद भी करना चाहते थे, लेकिन पुलिस वालों के आने के कारण उन्हें वहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन फिर भी एक पुलिस ऑफिसर वहाँ पर अपनी कार लेकर आ गया था, जो कि तुरंत ही रॉय और ल्यूकस की कार को देखकर अपने बाकी पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म करने की कोशिश भी करता है। ल्यूकस को तो तुरंत ही समझ में आ गया था कि अगर इस पुलिस ऑफिसर ने अपनी बाकी साथी को बुला लिया तो उनका यहाँ से बचकर जा पाना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए ल्यूकस तुरंत ही अपनी गन उठाता है और पुलिस ऑफिसर को शूट कर देता है। और साथ ही साथ उसने पुलिस वालों की रेडियो पर जाकर कह दिया था कि अब सारी चीजें एकदम क्लियर हो गई हैं। वो लोग तो पहले ही दूर भाग चुके हैं, इसीलिए तुम सभी को यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद ल्यूकस और राय अपनी कार में बैठकर उस लड़के के साथ कहीं दूर चले जाते हैं। और अब हमें उसी बड़े बिजनेसमैन केविन के पास दिखाया गया था जिससे कि FBI वाले बात कर रहे थे। ऑफिसर ने तो वहाँ पर सारे लोगों के मौजूद स्टेटमेंट ले लिए थे, क्योंकि वो अपनी जरा से भी गलती नहीं कर सकते अपनी इस इन्वेस्टिगेशन में। अब हमें यहाँ पर एजेंट मिलर को दिखाया जाता है जो कि केल्विन से पूछ रहा था कि इतने सारे वेपन आखिरकार आपने कहाँ से प्रोड्यूस किए। हाल ही में रेड होने के कारण केल्विन के बिजनेस एरिया में कई सारे वेपन भी मिले थे। अब इसीलिए FBI वाले उस पूरे वेपन को प्रोडक्शन के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन केल्विन इन सारी चीजों का प्रॉपरली कोई जवाब नहीं दे रहा था। अब थोड़ी देर में पोल नाम का वहाँ पर मैसेंजर भी आ जाता है। वो कहने लगा कि कुछ नंबर और सिग्नल इनकोडेक्ट फॉर्मेट में मौजूद थे जिससे कि सिर्फ गवर्नमेंट सैटेलाइट और गवर्नमेंट ऑफिसर ही देख सकते थे। आखिर उस इनकोडेक्ट मैसेज को डिकोड कैसे कर लिया गया। ये सारी बातें पूछने के बाद केल्विन बताता है कि मेरे पास एक बच्चा आया था, मैंने उसे अडॉप्ट किया क्योंकि उसके पास कुछ ऐसी शक्तियाँ मौजूद थी जिससे कि वो अलग अलग टाइप की लैंग्वेज बोल सकता था और उसे समझ भी सकता था। उसने तो एक ही समय में वो सारे सिग्नल को डिकोड करते हुए मुझे दे दिया जिससे कि वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपने लिए यूज कर पाया, लेकिन वो बच्चा अब किडनैप हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ ल्यूकस और रॉय एल्टोन को एक घर की तरफ लेकर आ जाते हैं जो कि उनके दोस्त का होता है। उन दोनों को लग रहा होता है कि वो एल्टोन के साथ यहाँ पर सुरक्षित रहेंगे क्योंकि उनका दोस्त बहुत ज्यादा लॉयल था और वो पुलिस वालों को इन्फॉर्म नहीं करेगा। टीवी पर तो ल्यूकस और रॉय के बारे में सारी न्यूज फैल चुकी थी कि इन दोनों को कोई पकड़ने में मदद करेगा तो उन्हें रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे क्योंकि इन लोगों ने एक छोटे बच्चे को किडनैप किया है। लेकिन असली सच्चाई क्या होती है ये तो ल्यूकस और रॉय को ही पता थी। अब यहाँ पर ल्यूकस और रॉय बहुत ज्यादा थक गए थे, इसीलिए वो ड्रिंक
करते हुए सो जाते हैं। उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आखिरकार उनके साथ आगे चलकर क्या होने वाला है। तभी अचानक मिडनाइट में ही सारी चीजें हिलने लगी थी। ल्यूकस और रॉय को लगने लगा कि यहाँ पर तो भूकंप आ रहा है, इसीलिए वो दोनों तुरंत ही एल्टोन के कमरे में भागते हुए चले गए। लेकिन तब वहाँ पर उन लोगों ने देखा कि उनका दोस्त एक अजीब तरह का शक्ति एल्टोन के सिर पर मार रहा है, जिससे कि एल्टोन को काफी दर्द हो रहा था और वो चिल्ला रहा था। ये चीजें ल्यूकस को बहुत ज्यादा अजीब लगती है, इसीलिए वो अपने दोस्त के पास जाता है और उसके सिर के ऊपर कुछ मार देता है, जिससे कि वो नीचे गिर गया था और उसने एल्टोन को भी छोड़ दिया था। वो दोनों तो किसी भी तरीके से एल्टोन को संभालते हैं, लेकिन एल्टोन तो चिल्लाता ही जा रहा था। यहाँ पर हमें एक सीक्रेट पता चला कि एल्टोन के पास कुछ सुपर नेचुरल शक्तियाँ मौजूद हैं, लेकिन अभी तक उसने उन पावर को अनलॉक नहीं किया है। उसे अपने अंदर की नेचुरल शक्तियों को कंट्रोल करना सीखना ही पड़ेगा। और तो और बात ये थी, ल्यूकस और रॉय एल्टोन को हमेशा की तरह रात में लेकर निकलते थे, क्योंकि एल्टोन दिन में किसी भी तरीके से बाहर निकलेगा तो उसकी पूरी बॉडी जलने लग जाती है, यानी कि वो सूर्य की रोशनी को सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब हमें वहीं पर पोल को दिखाया जा रहा था, जो कि एल्टोन के बारे में सारे लोगों से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अफसोस की बात तो ये होती है कि एल्टोन के बारे में कोई ज्यादा जानता ही नहीं। अब यहाँ पर एल्टोन नाश्ता कर रहा होता है, लेकिन ल्यूकस और रॉय को पता होता है कि ये जगह खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए रॉय ने ल्यूकस से कहा कि तुम जल्द से जल्द एल्टोन को लेकर गाड़ी में बैठो, क्योंकि रात के समय में ही हम यहाँ से निकल सकते हैं। रॉय का वो दोस्त जिसने उसे धोखा दिया था, वो ठीक रॉय के सामने मौजूद होता है। इसीलिए रॉय उससे पूछने लगा कि आखिरकार तुम किसके लिए काम कर रहे हो। रॉय का दोस्त उसे कुछ भी नहीं बताता, इसीलिए वो अपनी बंदूक उठा लेता है उसे जान से मारने के लिए। लेकिन रॉय ऐसा कर ही नहीं पाता। फिलहाल के लिए वो अपने दोस्त को जिंदा छोड़कर अपनी गाड़ी की तरफ चला गया था, जिसके बाद वो दोनों लगातार एल्टोन के साथ आगे बढ़ने लगे थे। रॉय तो ल्यूकस से कहता है कि आखिर कब तक एल्टोन अपनी शक्तियों को अंदर छुपा कर रखेगा। उसे अपनी खाली दुनिया से बाहर आना ही पड़ेगा और अपने पावर का यूज करके उसे सीखना ही पड़ेगा। ल्यूकस कहता है कि एल्टोन तो अभी एक छोटा बच्चा है, उसे ये सारी चीजें फिगर आउट करने के लिए थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा। ल्यूकस और रॉय ने कुछ नोटिस किया कि अचानक से एल्टोन किसी अजीब तरह की लैंग्वेज में बोलने लगता है, और इस टाइप की लैंग्वेज उन्होंने तो कभी सुनी भी नहीं थी। रॉय ने अगले ही मोमेंट में जैसे ही रेडियो को ऑन किया तो पता चला कि यही सेम लैंग्वेज रेडियो पर भी बोली जा रही है। आखिरकार कैसे एल्टोन इस लैंग्वेज को जानता है, और जरूर उसने कोई मैसेज गेट किया होगा जिससे कि वो डिकोड कर रहा है। इन सारी चीजों के बारे में उन लोग को कुछ आइडिया होता नहीं, इसीलिए वो उन मैसेज को इग्नोर कर देते हैं। अब वो दोनों लगातार ट्रेवल करते हुए एक पेट्रोल स्टेशन पर आ गए थे, जहाँ पर रॉय अपनी गाड़ी के अंदर पेट्रोल भराने चला जाता है। वहीं ल्यूकस सुपरमार्केट में आकर जरूरत के सारे खाने सामान को ले रहा था। कार से निकलते वक्त रॉय ने एल्टोन को समझा कर रखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम कार से बाहर मत निकलना, क्योंकि ये सारी चीजें काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली थी, क्योंकि एल्टोन तो थोड़ी किसी की बात मानने वाला था। दोनों के जाने के बाद वो काफी ज्यादा बोर होने लगा, इसीलिए वो कार से निकलकर बाहर आ जाता है। अब एल्टोन को बच्चा समझकर उसके पास एक लेडी बात करने लगी थी कि आखिरकार तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। एल्टोन इस बात का कुछ जवाब नहीं देता जब तक वहाँ पर रॉय आ जाता है। रॉय ने उस लेडी को यहाँ से जाने के लिए कहा, क्योंकि उसे लग रहा था ये सारी चीजें खतरनाक भी हो सकती हैं। वो अनजान लेडी तुरंत ही वहाँ से चली गई थी। तब जाकर रॉय ने एल्टोन को डांटते हुए कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि कार से बाहर मत निकलना, तुम इस तरीके से परमिशन के बिना बाहर नहीं आ सकते थे। एल्टोन इस बात से काफी ज्यादा उदास होकर बार बार सॉरी कह रहा था। रॉय को ये समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ये सारी चीजें एल्टोन पैटर्न में बोल रहा था। तभी अगले ही मूवमेंट में अचानक से आसमान से कई सारे सैटेलाइट के टुकड़े भी गिरने लगे थे। ये चीजें और किसी ने नहीं बल्कि एल्टोन ने की होती है, जो कि काफी ज्यादा नर्वस होने की वजह से सैटेलाइट को कंट्रोल करते हुए नीचे गिरा रहा था। चारों तरफ से अब तबाही होने लगी थी। रॉय किसी भी तरीके से एल्टोन को लेकर अब गाड़ी में बैठ जाता है, और अब ल्यूकस भी आ जाता है। वो दोनों तो जल्द से जल्द कार को भगाते हुए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ पर एक बात नोटिस की कि एल्टोन के पूरी बॉडी पर खून निकल रहा था, यानी कि वो अपने नेचुरल पावर को यूज करने के कारण काफी ज्यादा कमजोर हो गया है। रॉय और ल्यूकस एल्टोन को जल्द से जल्द एक घर की तरफ ले आते हैं, जहां पर सारा नाम की एक लेडी मौजूद थी। तब जाकर हमें ये पता चला कि सारा और कोई नहीं बल्कि एल्टोन की मदर है। वो तो एल्टोन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, उसे गले भी लगा लेती है, क्योंकि यहां पर सारा अपने बेटे एल्टोन को कई सालों के बाद मिल रही थी। रॉय और ल्यूकस जल्द से जल्द उसके घर पर चले जाते हैं, क्योंकि बाहर रहना उनके लिए खतरे
से खाली नहीं था। सारा तो अपने बेटे एल्टोन की बहुत ही अच्छी तरीके से खातरदानी करने लगी। दरअसल उसे वापस जाना ही पड़ेगा रॉय और ल्यूकस के साथ। दरअसल सारा ने ही एल्टोन की सेफ्टी के लिए एल्टोन को रॉय और ल्यूकस को दिया था, क्योंकि इस जगह पर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर और बिजनेसमैन आ जाते थे कि एल्टोन की पावर को यूज करने के लिए। और जब भी एल्टोन अपने पावर का यूज करता तो उसकी शरीर की शक्तियाँ काफी कमजोर हो जाती थी, जिससे कि वो बीमार पड़ने लगा था। सारा तो ल्यूकस और रॉय से कहती है कि एल्टोन का ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है। ल्यूकस भी इस बात पर हाँ करते हुए कह रहा था कि इसे हॉस्पिटल में एडमिट करना ही पड़ेगा, नहीं तो एल्टोन की हालत और भी ज्यादा खराब हो सकती थी। लेकिन रॉय इन सारी चीजों के अगेंस्ट था, क्योंकि हॉस्पिटल में भी टाइट सिक्योरिटी होगी और अगर एल्टोन के बारे में किसी को कुछ पता चल गया तो वो अपनी पूरी मिलिट्री फोर्स लेकर यहाँ आ जाएंगे। जब तक एल्टोन पूरी तरीके से खुद ही रिकवर नहीं हो जाता जब तक हम हॉस्पिटल नहीं जा सकते। यहाँ सारा भी पूरी तरीके से मजबूर थी और वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी अपने बेटे के लिए। अब हमें यहाँ पर दो एजेंट दिखाए जाते हैं जिसका नाम लीबोय और ड्रॉप होता है। वो दोनों तो पूछताछ करते हुए सारा के पास आ गए थे क्योंकि वो सारा के बेटे एल्टोन को ढूंढना भी चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ पोल भी उसी जगह पर आया था है जहाँ पर सैटेलाइट गिरी हुई थी। सारे ऑफिसर वहाँ पर अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे कि आखिर ये चीजें कैसे पॉसिबल हो सकती हैं, क्योंकि सैटेलाइट तो कई सालों से हमारे ऑर्बिट में मौजूद है और आखिरकार बिना कोई रेडिएशन से उन्हें कोई कैसे नीचे खींच सकता है। इसमें जरूर कोई सुपर नेचुरल शक्तियाँ शामिल हो सकती हैं, जिसने की सारे सिस्टम को डीकोड करके सैटेलाइट के डायरेक्शन अपने आप ही चेंज कर दी है। हालांकि इतना ज्यादा रिसर्च करने के बावजूद उन सभी को वहाँ पर कोई भी सबूत नहीं मिलते। हालांकि पोल को अंदाजा होता है कि ये काम जरूर एल्टोन यानी कि वो छोटे बच्चे का है। तो कहानी का एंड यहीं पे होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए कमेंट में पार्ट 2 करना ना भूलें। तो पार्ट 2 जरूर लिख दें।